और अब खबर दिल्ली से। दिल्ली पुलिस ने लुटेरों के एक गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के लीडर शामिल हैं। एमसीडी चुनाव से पहले आप नेता की गिरफ्तारी पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को घेरा है। कभी नेताजी फोटो खिंचवाने के शौकीन थे, आज मुंह छिपाने पर मजबूर हैं। कभी महंगी गाड़ियों के शौकीन थे, आज पुलिस की गाड़ी में सवारी कर रहे हैं। कभी आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करने जाते थे, आज अपना नाम बताते भी शर्मा रहे हैं। नाम बता भाई अपना, नाम बता नाम। अरे जा पूछ लो। पुलिस हिरासत में पकड़े गए इन 6 लुटेरों में भी आपके युवा नेता नजीब को अलग से पहचाना जा सकता है, क्योंकि इसका पहनावा बाकी अपराधियों से अलग नेताओं की तरह का है। ये बात और है कि कभी आपके दिग्गज नेताओं के साथ चेहरा चमकाने वाला नजीब अपने गुनाहों का कच्चा चिट्ठा खुलने के बाद अब नकाब के पीछे चेहरा छुपा रहा है। दिल्ली पुलिस 12 मार्च को मौजपुर में हुई 25 लाख की लूट की तफ्तीश कर रही थी। पुलिस ने लूटकांड को सुलझाते हुए 6 बदमाशों को पकड़ भी लिया, लेकिन पुलिस ये जानकर हैरान रह गई कि पकड़े गए लुटेरों में एक आम आदमी पार्टी का युवा नेता नजीब भी शामिल है। नजीब आम आदमी पार्टी की सीलमपुर इकाई का यूथ विंग अध्यक्ष है। वो न सिर्फ आलिशान जिंदगी की चाह रखता है, बल्कि महंगी गाड़ियों, आईफोन और चमचमाती घड़ियों का शौकीन है। शानो शौकत की यही आदत इसे गुनाहों के रास्ते पर घसीट ले गई। नजीब जो इनमें है वो एक यूथ विंग का जाफराबाद में आप पार्टी का, उसका वहाँ का प्रेसिडेंट है। खर्चा बढ़ गया इनका, कोई आदी या कफ सिरप का, गैम्बलिंग का, कोई लग्जरी लाइफस्टाइल का, इसलिए इन्होंने ये वारदात को अंजाम किया। कम से कम 20 वारदातें और कबूली हैं। जुआ भी खेलते हैं और नशा भी करते हैं। दरअसल मौजपुर में लूटपाट के दौरान नजीब का एक साथी फुरकान पकड़ा गया था। पुलिस ने सिरों को जोड़ना शुरू किया तो उसके तार नेताजी की बदमाश कंपनी तक जल्द ही पहुंच गए। नजीब, उसका भाई और बाकी के 4 लुटेरे भी पकड़े गए। पुलिस ने लूट के 16 लाख रुपए और हथियार भी बरामद कर लिए हैं। 3 लड़कों ने, जिनमें 2 के पास कट्टा था, और बैग छीन लिया जिसमें के 25 लाख रुपए थे। जब पब्लिक ने उनको कन्फ्रंट किया तो एक ने गोली चलाई, 2 भाग गए और एक वहां से बाद में पकड़ा गया था। इसमें हमने काफी सर्च शुरू करी और इस पूरे गैंग को स्मैश किया है। अभी हम लोगों ने 6 लोगों को अरेस्ट किया है। नजीब पर अपनी गैंग के साथ मिलकर 20 से ज्यादा लूट को अंजाम देने का आरोप है। दिल्ली में होने वाले MCD इलेक्शन से पहले नजीब की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के लिए नई मुश्किलें पैदा कर सकती है। बीजेपी ने तो नजीब के बहाने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि आम आदमी पार्टी अपराधियों के सहारे सियासत कर रही है। जितेंद्र शर्मा, इंडिया TV, दिल्ली।